हेलो दोस्तों, मैं नमी संगत कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल अंगद लाइव वाला पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि फ़िल्टर सेट कैसे करें, कौन सा टेस्ट के लिए क्लोरीमीटर में कौन सा फ़िल्टर लगाएं, क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था कि कौन सा टेस्ट के लिए कौन सा फ़िल्टर लगाएं बताइए। तो हम इसी पे वीडियो बनाने वाले हैं, इसी को बारे में फुल डिटेल में बताने वाले हैं, कौन टेस्ट के लिए कौन सा फ़िल्टर लगाएंगे, कैसे फ़िल्टर चेंज करना है, कौन कलर रहे तो कौन फ़िल्टर लगाना है, सब के बारे में हम फुल डिटेल में जानने वाले हैं। तो उससे पहले यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल पर जो सब्सक्राइब वाला आइकन दिख रहा है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम ये जान लेते हैं, देख लीजिए आप देख रहे हैं कि ये क्लोरीमीटर है, ये ऑटो फोटो क्लोरीमीटर है। इस पर देखिए फ़िल्टर सेट करने के लिए दिया गया है, जैसे 40 पे वायलेट कलर लेना है, 42 पे यानी कि जो रिएजेंट ले रहे हैं उसका वायलेट ब्लू कलर होगा तो उसको उसके लिए 42 लेना है, ग्रीनिश ब्लू होगा तो 48 लेना है, ब्लू ग्रीन होगा तो 50 लेना है, ब्लूइश ग्रीन रहेगा तो 52 लेना है, ग्रीन रहेगा तो 54 लेना है, येलो रहेगा तो 62 लेना है, रेड रहेगा तो 68 लेना है। ये इंस्ट्रक्शन आपको इस पर बताया गया है। तो हम इसके चलिए फुल डिटेल में आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटो क्लोरीमीटर का जो है ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है उसमें। तो देखिए इस पर भी जो सेम बताया गया है कि वायलेट कलर के लिए आपको 400 से लेकर के यानी 380 से लेकर के 330 नैनोमीटर तक लगाना है फिल्टर। यानी कि इसके मतलब ये हो गया कि आप जीरो इसमें जो है इसको जीरो हटा दीजिए, ये आपको सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर पे कीजिएगा ना, तो उसके लिए ये बताया गया है कि 380 से 430 बैठाने के लिए। आप यदि क्लोरीमीटर पे कर रहे हैं तो 380 आपको 430 का फ़िल्टर नहीं मिलेगा, तो आपको यानी कि 52 48 70 68 ये सब मिलेगा। तो आपको देखिए 38 से 43 यानी जीरो को हटा देना है, यानी कि कितना हो गया 38 से 43, 38 के 43 के बीच में यदि कोई आपका फ़िल्टर हो तो उसको आप वायलेट कलर पे ले सकते हैं। तो 38 से 30 में देखिए 38 से 43 तक में हम यहाँ क्लोरीमीटर पे आपको दिखाते हैं। क्लोरीमीटर पे देखिए तो 38 से लेकर के 43 के बीच में देखिए मेरा 40 भी फ़िल्टर आ रहा है, 42 भी आ रहा है। इसको हम 40 पे भी रीडिंग ले सकते हैं और 42 पे भी रीडिंग ले सकते हैं, कौन कलर का वायलेट कलर का। तो वायलेट कलर का हम दो पे रीडिंग ले सकते हैं, या तो 40 पे या 42 पे क्लोरीमीटर पे आपको जो शो किया गया है। और दूसरा में देखिए कि दूसरा में क्या बता रहा है कि वायलेट ब्लू के लिए हमको 40 से लेकर के 60 यानी 400 से 460 बता रहा है, तो इसको जीरो को हटा देंगे 40 से 60। तो 40 से 60 के बीच में देखिए हमारे पास कौन कौन फिल्टर है। 40 से 60 में देखिए हमको 48 है, 50 है, 52 है, 54 है, 54 तक है। तो हम जो लास्ट होगा तो हम 54 पे रीडिंग ले, इसका कोई भी चीज़ पे रीडिंग ले सकते हैं, यानी 54 पे भी रीडिंग ले सकते हैं। तो इसी तरह इसमें फुल इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड किया गया, आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको पूरा आप पढ़ सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कौन टेस्ट के लिए कितना पे रीडिंग लेना है, वो भी आपको कंपनी में प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए यदि आप ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी बन ले रहे हैं तो इसका वेवलेंथ कितना देना होगा आपको, 520। 520 का मतलब कितना हो गया, 52। तो देख लीजिए हमारे फ़िल्टर में 52 यहाँ पे है, तो हम 52 फ़िल्टर पे ले लेंगे, 52 फ़िल्टर है तो 52 फ़िल्टर पे ले लेंगे। और देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन टेस्ट है, आप ग्लूकोज इसका भी स्क्रीनशॉट ले करके आप रख लें। ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए कितना पे लेना है आपको, 62 या आप 52 पे ले सकते हैं, जीरो को हम नहीं काउंट करेंगे। फॉस्फेट के लिए 62, कैल्शियम के लिए 54, क्रिएटिनिन के लिए 52, यूरिक एसिड के लिए 52 62 दोनों पे ले सकते हैं, प्रोटीन के लिए 54, एल्ब्यूमिन के लिए 62, कोलेस्ट्रॉल के लिए 62, बिलरुबिन के लिए 54, हीमोग्लोबिन के लिए 54, इतना पे रीडिंग ले सकते हैं। इसका कोई भी टेस्ट जितना आपको टेस्ट प्रोवाइड किया रहेगा उसके हिसाब से आप फिल्टर सेट कर सकते हैं। तो अब ये हम कोई भी जैसे टेस्ट का किट भी उठा लेंगे, जैसे ये देख रहे हैं क्रिएटिनिन का किट है, क्रिएटिनिन का किट में देखिए आपको वेवलेंथ हर किट पे दिया रहेगा। देखिए इसका वेवलेंथ कितना दिया गया है, 490 से 520, यानी कि इसका मतलब हम क्या बोले फ़िल्टर में जीरो को नहीं काउंट करना है, तो यहाँ पे इसको 52 पे रीडिंग ले सकते हैं क्रिएटिनिन में। यहाँ पे भी हमको 52 बताया गया था उसमें। अब किट पे भी आप देख सकते हैं, ये क्रिएटिनिन का किट था, अब किट के भी इंस्ट्रक्शन में आपको दिया रहता है इतना। देखिए एल्ब्यूमिन का, एल्ब्यूमिन का वेवलेंथ का बात कीजिएगा तो देखिए वेवलेंथ यहाँ पे प्रिंसिपल में भी दिया गया है, 600 से 630 पे लेना है, यानी कि 63 पे लेना है। देख लीजिए यहाँ पे भी
यहाँ पे भी वेवलेंथ में आपको प्रोवाइड रहेगा 600 से 630 तक, ये आपके एल्ब्यूमिन का किट पे दिया गया है। टोटल प्रोटीन का ये किट है, टोटल प्रोटीन का किट पे भी देखिएगा तो सब किट पे आपको वेवलेंथ प्रोवाइडेड रहेगा। देखिए वेवलेंथ कितना दिया है, 550 से 580 तक, यानी 55 से 58 तक में इसका रीडिंग ले सकते हैं। अब क्लोरीमीटर पे आपको हम दिखाते हैं कि फिल्टर कैसे सेट करना है। देखिए हम क्लोरीमीटर का सिंपल सा बगल में स्विच रहता है, इसको जैसे ऑन करेंगे ये क्लोरीमीटर आपको शो करने लगेगा। शो करने के बाद देखिए ये आप जीरो सेटर करने के लिए आप डिस्टिल वाटर से सेट कर लिएगा। डिस्टिल वाटर से सेट कर दिए, जैसे कि हमको 50 पे कोई चीज़ का रीडिंग लेना है, 48 पे रीडिंग लेना है, 42 पे रीडिंग लेना है, जिस पे रीडिंग लेना है देखिए 40 पे रीडिंग लेना है, किसी का 68 पे होगा उसको दबा करके देखिए सेट जीरो है। सेट जीरो का थोड़ा सेकेंड के लिए जैसे दबा दिए सेट जीरो हो गया, जीरो हो गया, जैसे खींचेंगे अपना 27 आपको दिखाने लगे, फिर इसको डालिएगा जीरो। इसी पे आपको जैसे ये टेस्ट करने के लिए रेडी है, जैसे 68 पे लेगा, अब हम 62 पे ले जाएंगे। 62 पे ले जाने के बाद सेट जीरो, सेट जीरो पे क्लिक, इसको दबाने के बाद मेरा मशीन रीडिंग लेने के लिए तैयार है। कोई भी चीज़ फिल्टर पे करके आप रीडिंग ऐसे ही ले सकते हैं। कोई भी टेस्ट के लिए आपको टेस्ट के किट पे फिल्टर प्रोवाइडेड रहेगा, आप सिंपली जो फिल्टर है उस पर ऐसे सेट कर लेना है, डिस्टिल वाशर से जीरो सेट कर लेना है, जीरो सेट करने के बाद रीडिंग लेने लेना। आई होप आप फिल्टर कैसे लगाना है, कैसे करना है, ये आपको फुल समझ में आया होगा। मेरा भाई एक कमेंट किया था कोई भाई, तो उसी पे हम सोचे वीडियो बना देते हैं। तो आई होप ये आपको पसंद आया, पसंद हो गया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।